हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे प्लांट पैथोलॉजी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों आज मैंने जो है कि 25 क्वेश्चनों का महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आया हूँ आपके सामने, जो कि बिहार बीएचओ की भर्ती हो, चाहे यूपी टीपीएससी यूपी टीए की वैकेंसी हो, सारे परीक्षाओं सारे एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम की परीक्षाओं के लिए जो है कि ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, प्लांट पैथोलॉजी के क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों कह रहा है कि टी रस्ट इज कॉज्ड बाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टी रस्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि टी रस्ट जो है कि किसके वजह से होता है। ठीक है, टी रस्ट यानी चाय में होने वाला जो रस्ट है वो किसके वजह से होता है। तो ऑप्शन ए है एमएलओ, ऑप्शन बी है वायरसेस, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया और ऑप्शन डी है एल्गी। तो दोस्तों टी रस्ट जो होता है वो एल्गी के वजह से होता है। जी हाँ दोस्तों, रस्ट जनरली फंगस के वजह से होते हैं, लेकिन टी के अंदर चाय के अंदर जो रस्ट होता है वो एल्गी के वजह से होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एमएलओ क्या है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स होता है इसका फुल नेम, वायरस जानते ही हैं, बैक्टीरिया जानते ही। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों द कोलेक्टोट्रिकम फालकाटम प्रोड्यूसेस। ठीक है, ये जो दोस्तों एक फंगस है कोलेक्टोट्रिकम फालकाटम, कह रहा है कोलेक्टोट्रिकम फालकाटम क्या प्रोड्यूस करता है, किसको प्रोड्यूस करता है, किस क्या प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन ए है जाइगोस्पोर, ऑप्शन बी है ऊस्पोर, ऑप्शन सी है एस्कोस्पोर और ऑप्शन डी है कोनिडियोस्पोर। तो दोस्तों कोलेक्टोट्रिकम फालकाटम जो है कि कोनिडियोस्पोर प्रोड्यूस करता है, कोनिडिया बनाता है। जी हाँ दोस्तों, प्लांट के जो है कि सेल वॉल को रप्चर करके कोनिडिया बाहर निकलते हैं और इस तरीके से कोनिडियो स्पोर बनाता है, कोनिडिया वाले स्पोर बनाता है। तो ऑप्शन डी इसका भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर। अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ विल्ट पिजन पी शुड बी इंटरक्रॉप्ड विथ। ठीक है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ विल्ट, विल्ट के इफेक्टिव कंट्रोल के लिए पीजन पी को किसके साथ, पीजन पी यानी कि अरहर, अरहर को किसके साथ इंटरक्रॉप्ट करना चाहिए कि विल्ट का कंट्रोल हो सके, विल्ट के ऊपर जो है कि फंगस न लग सके, इसलिए अरहर को किसके साथ इंटरक्रॉपिंग करना चाहिए। तो दोस्तों आइए समझते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन ए है मेज, ऑप्शन बी है पॉल मिलेट, ऑप्शन सी है सोरगम और ऑप्शन डी है मूंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा सोरगम। सोरगम दोस्तों, सोरगम एक सी4 टाइप का प्लांट है और सोरगम के साथ अगर पर्ल मिलेट को, सॉरी पिजन पी को सोरगम के साथ अगर इंटरक्रॉप्ट कर दिया जाए तो जो है कि पिजन पी में होने वाली विल्ट वाली समस्याएं खत्म हो जाएंगी, विल्ट पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है कि एक एग्रोनॉमिकल मीजर है, एग्रोनॉमिकल तरीका है जो विल्ट को कंट्रोल करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो दोस्तों बेहतरीन जानकारी आपको दे रहा हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। विल्ट डिजीज ऑफ शुगर केन वाज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन इंडिया, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपोर्टिंग वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। पूछ रहा है कि विल्ट डिजीज है, जो विल्ट डिजीज लगती है ठीक है शुगर केन में, वो पहली टाइम जो है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में कब रिपोर्ट की गई थी, कब उसको इंडिया में सबसे पहले पहचान मिली थी। ठीक है, नहीं ठीक है, विल्ट डिजीज शुगर केन का है, वो इंडिया में फर्स्ट टाइम जो है कि कब रिपोर्ट की गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। बिहार बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, क्योंकि विल्ट डिजीज शुगर केन में जो विल्ट डिजीज लगी थी उसको सबसे पहले इंडिया में बिहार में देखा गया था। ठीक है, बाहर चले जाओ बेटा, उधर से उधर खेल लो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द अटैक ऑफ सीथ ब्लाइट ऑफ राइस,
दोस्तों राइस के सीथ पे एक ब्लाइट होती है जिसके वजह से जो राइजोक्टोनिया सोलेनाई की वजह से होती है, ठीक है, सीथ जो है कि सड़ना शुरू हो जाती है। जो सीथ होता है, सीथ यानी जो किनारा होता है स्टेम का, उसी को सीथ बोलते हैं। उस सीथ के ऊपर ब्लाइट होना शुरू हो जाता है, सड़ाव शुरू हो जाता है, जो कि राइजोक्टोनिया सोलेनाई के द्वारा होता है। पूछ रहा है क्वेश्चन कि कब होता है, किस समय होता है, राइस के किस फेज में जो है कि सीथ ब्लाइट देखने को मिलता है। तो दोस्तों राइस में जब पानी भरा होता है तो पानी के साथ जो है कि ये फंगस तैरता हुआ राइस के किनारे लगता है और वहीं पर जो है कि इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है जर्मिनेशन, ऑप्शन बी है एक्टिव क्लियरिंग स्टेज, ऑप्शन सी है फ्लावरिंग और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो एक्टिव क्लियरिंग स्टेज के समय, क्लियरिंग स्टेज के समय जो है कि सीथ ब्लाइट देखने को मिलती है दोस्तों, जब एक्टिव टीलर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, टीलरिंग स्टेज जब आता है पौधे का, और उसी टीलरिंग स्टेज के समय जो है कि सीथ ब्लाइट देखने को मिलता है। तो दोस्तों काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वायराइड्स। वायराइड्स वायराइड्स आर डिस्कवर्ड बाई, वायराइड्स क्या होते हैं दोस्तों? वायरस अलग होता है, वायराइड्स अलग होते हैं और प्रियॉन्स ये अलग होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायराइड्स किसके द्वारा खोजा गया था, वायराइड्स किसके द्वारा जो है कि डिस्कवर किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए है डैनियर, ऑप्शन बी है प्रूशियन प्रूशिनर, ऑप्शन सी है डीओआई और ऑप्शन डी है कसास कसानिस। ठीक है, तो दोस्तों वायराइड्स का जो डिस्कवरी हुई थी वो जो है कि डैनियर साहब के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है, डैनियर साहब के द्वारा जो है कि वायराइड्स की खोज की गई थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ए ए फॉर अमित बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है दोस्तों, द यूरोडोस्पोर ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनिस आर डिसेमिनेटेड बाई। ठीक है, जो यूरोडोस्पोर होता है, अब देखिए पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई, ये फंगस जो है कि गेहूं में लगता है दोस्तों, गेहूं में लूज स्मट ऑफ वीट के लिए रिस्पॉन्सिबल है पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई। इसके पांच स्पोर होते हैं। ठीक है, पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई के पांच स्पोर होते हैं। पांचों का नाम अगर लिखा जाए यहाँ पे दोस्तों, तो पांचों का नाम है पाउ, PAU TB। इनका पूरा नाम अगर बताएं तो पिकनियो स्पोर, एसियो स्पोर, इवेडो स्पोर, टीलियो स्पोर और बेसिडियो स्पोर। ये पांच स्पोर लगते हैं दोस्तों, पांच स्पोर बनते हैं पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई में। ठीक है, तो कह रहा है कि जो पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसाई का यूरोडोस्पोर है वो किसके द्वारा डिसेमिनेट होता है। यूरोडोस्पोर रप्चर होता है फलियों से और वहां से जो है कि हवा के द्वारा, विंड के द्वारा जो है कि पूरा स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, विंड, विंड के द्वारा जो है कि यूरोडोस्पोर स्प्रेड होता है। ठीक है दोस्तों, विंड के द्वारा यूरोडोस्पोर आपका स्प्रेड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन बैक्टीरियोलॉजी। पूछ रहा है कि इंडियन बैक्टीरियोलॉजी के पितामह कौन है, पिता कौन है, इसके फादर कौन है। तो दोस्तों इंडियन बैक्टीरियोलॉजी के फादर अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए दे रहा है लुईस पाश्चर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है डोई और ऑप्शन डी है ई.एफ. स्मिथ। तो दोस्तों इंडियन बैक्टीरियोलॉजी के जो पितामह कहे जाते हैं उनका नाम है डॉक्टर ई.एफ. स्मिथ साहब। ठीक है, डॉक्टर ई.एफ. स्मिथ ने जो है कि, ई.एफ. स्मिथ को जो है कि इंडियन बैक्टीरियोलॉजी का पितामह कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है राइस ब्लास्ट पैथोजन परफेक्ट स्टेजेस। राइस ब्लास्ट, राइस में जो है कि ब्लास्ट लगता है दोस्तों, ब्लास्ट ऑफ पैडी। राइस में जो है कि नाव की तरह सिम्टम बनते हैं, नाव की तरह जो है कि सिम्टम बनता है राइस की पत्तियों के ऊपर। ठीक है, राइस की पत्तियों के ऊपर नाव की तरह जो है कि सिम्टम बनता है। ठीक है, और वो सिम्टम जो है कि राख की तरह होता है, राख, राख की तरह कलर होता है उसका, ब्राउन कलर से लेकर के बिल्कुल जो है कि राख की तरह कलर होता है। ठीक है, तो इसी को ब्लास्ट ऑफ पैडी बोलते हैं दोस्तों। ब्लास्ट ऑफ पैडी का परफेक्ट स्टेज, पैथोजन का जो परफेक्ट स्टेज है उसको पूछा जा रहा है दोस्तों। तो पैथोजन का जो परफेक्ट स्टेज है दोस्तों उसको बोलते हैं हम लोग मैग्ना परथेक
पोर्थ है ग्रिजिया। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, मैग्ना पोर्थ है ग्रिजिया हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए दिया हुआ है पायरिफ्लेरिया ओराइजिया, ऑप्शन सी है एल्मेंथोस्पोरियम ओराइजी, ऑप्शन डी है राइजोक्टोनिया सोलेनाई। तो ये कोई नहीं है दोस्तों, राइजोक्टोनिया तो शीत लाइट वाला है, ठीक है। मैग्ना पोर्थ है ग्रिजिया जो है परफेक्ट स्टेज होता है राइस ब्लास्ट पैथोजन का। आगे बढ़ेंगे, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी कॉज बाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी, पी में लगने वाला डाउनी मिल्ड्यू किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो पी यानी मटर में लगने वाला डाउनी मिल्ड्यू होता है दोस्तों पेरेनोस्पोरा पाइसाई की वजह से, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, पेरेनोस्पोरा पीसी, पेरेनोस्पोरा पाइसाई बोल सकते हैं इसको या पेरेनोस्पोरा पीसी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पेरेनोस्पोरा पीसी की वजह से जो कि डाउनी मिल्ड्यू लगता है पी में, याद रखेंगे पीसी यानी पी, पाइसम यानी पी, ठीक है, उससे लिया गया ये वर्ड। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जो करेक्टली मैच नहीं है। आइए देखते हैं, ऑप्शन ए मस्टर्ड वाइट रस्ट, दोस्तों मस्टर्ड में वाइट रस्ट लगता है ये बिल्कुल सही मैच है, ठीक है। पैडी ब्राउन रस्ट, पैडी में ब्राउन रस्ट लगता है, ब्राउन ब्राउन जो है कि सिम्टम लगते हैं, ठीक है। व्हीट रेड रस्ट, व्हीट में रेड रस्ट लगता है नहीं लगता है कंफर्म नहीं है अभी। ग्राउंड नट टिक्का डिजीज, ग्राउंड नट में टिक्का डिजीज लगता है दोस्तों, ठीक है। ग्राउंड नट में सर्कोस्पोरा ग्रेमनिकोला और सर्कोस्पोरा अरेचिडिकोला, इनके द्वारा जो टिक्का डिजीज होता है ग्राउंड नट में, लेकिन व्हीट में कोई जो है कि रेड रस्ट नहीं लगता है। व्हीट में जो है कि दो तरीके के ही रस्ट लगते हैं, वो है ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट, ठीक है। तो रेड रस्ट नहीं लगता है व्हीट में, इसलिए जो है कि ऑप्शन सी जो है कि नॉट करेक्टली मैच हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ठीक सी को हम लोग टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है वैम इज, वैम क्या है। तो वैम का अगर फुल फॉर्म देखा जाए दोस्तों, तो वैम का फुल फॉर्म होता है वेसिकुलर और वेस्कुलर माइकोराइजी। ठीक है, वेस्कुलर अर्वेस्कुलर माइकोराइजा वैम कहलाता है दोस्तों। वैम क्या है, एक फंगस है, फंगस रूट है दोस्तों। ये जो है कि हायर प्लांट के साथ एसोसिएशन करके रूट्स की क्षमता बढ़ा देता है, रूट्स के साथ एसोसिएट हो जाता है ज्वाइंट हो जाता है, जिसके वजह से रूट का रूट जो है कि बढ़ जाती है और फास्फोरस सल्फर नाइट्रोजन वगैरह का जो है कि काफ़ी बढ़िया जो है कि प्लांट्स सॉइल से ले पाता है, ठीक है। फास्फोरस फास्फोरस की पूर्ति अच्छा कर देता है। तो वैम जो है कि एक फंगस है दोस्तों, तो वैम क्या है ऐसा पूछा जा रहा है, तो वैम एक फंगस है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पनामा डिजीज ऑफ बनाना, बनाना में लगने वाला पनामा रोग, पनामा डिजीज ऑफ बनाना इज प्रिवेंटेड बाई, पनामा डिजीज को बनाना में लगने वाला पनामा डिजीज किसके द्वारा रोका जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए देखिए स्प्रेइंग जिंक कैरियर को स्प्रे करके, ऑप्शन बी कह रहा है कि स्प्रेइंग कॉपर फंजिसाइड का स्प्रे करके, ऑप्शन सी कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ लाइम टू द सॉयल, लाइम का एप्लीकेशन करके सॉयल में, और ऑप्शन डी कह रहा है प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन करके जो है कि पनामा डिजीज को रोका जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन ऑफ लाइम टू द सॉयल। अगर सॉयल में लाइम का एप्लीकेशन करेंगे, लाइम यानी कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaO यानी कि चूना, अगर चूने का स्प्रे करेंगे, चूने का जो है कि एप्लीकेशन करेंगे सॉयल में, तो पनामा डिजीज जो है कि नहीं होगी। पनामा डिजीज जो है कि कब होती है बनाने में, जब पीएच जो है कि डाउन हो जाता है तब पनामा डिजीज होती है, ठीक है, फंगस की वजह से होता है। लाइम स्प्रे कर देंगे सिंपली तो खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पर आ रहा है दोस्तों, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन समर सॉयल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कैरिड आउट बाई, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन समर सॉयल में। समर सॉयल क्या होती है, वाटर लॉगिंग सॉयल होती है, पानी जब खेत में भरा होता है उस समय ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कैसे होता है दोस्तों। जब पानी भरा होगा खेत में तो ऑक्सीजन कम होगा, ऑक्सीजन खेत में अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि
एरोबिक एरोबिक ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स कम होंगे, तो उस समय जो है कि एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स ही जो है कि काम कर पाएंगी, ठीक है। तो सबमर्ज कंडीशन में तो पूछ रहा है कि सबमर्ज कंडीशन में ऑर्गेनिक मेटर का डिकम्पोजिशन किसके द्वारा किया जाता है, तो आइए समझते हैं। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है एक्टिनोमाइसिटीज, ऑप्शन सी है फंगाई या फंजस फंगस फंजाई, और ऑप्शन डी है अर्थवर्म। तो दोस्तों फंजाई अर्थवर्म एक्टिनोमाइसिटीज के द्वारा नहीं होता है, डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन होता है बैक्टीरिया के द्वारा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है दोस्तों, फॉर क्विक एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ वायरसेस कैन बी डन बाई, ठीक है, क्विक और एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ वायरसेस, वायरस का जल्दी से और एक्यूरेसी के साथ डिटेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, किस टेस्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है दोस्तों। वायरस का क्विक और एक्यूरेट डिटेक्शन किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन ए है एलिजा एलिडा टेस्ट, ऑप्शन बी है हेडास टेस्ट, और ऑप्शन सी है आईईएम टेस्ट। तो दोस्तों ये सारे के सारे टेस्ट सही हैं, तीनों के द्वारा होता है, ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी को टिक करेंगे अच्छे से और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, बंची टॉप ऑफ बनाना कॉज्ड बाई एमएलओ इज स्प्रेड बाई, ठीक है, बनाना में बंची टॉप लगता है, टॉप बिल्कुल बंच हो जाता है, टॉप बनाना का बिल्कुल बंच हो जाता है और क्लस्टर बन जाता है, ठीक है। तो बनाना का जो बंची टॉप होता है सिकुड़ जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है, क्लस्टर का। तो बंची टॉप जो है बनाना का वो जो है कि एमएलओस की वजह से होता है। एमएलओस क्या है, माइक्रो प्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं एमएलओस, इनके द्वारा होता है, लेकिन किसके द्वारा इन एमएलओस को स्प्रेड किया जाता है, तो दोस्तों स्प्रेड करने वाला जो एजेंट है उसका नाम है लीफ हॉपर। लीफ हॉपर उस बनाना के पेड़ पे बैठता है और वहां से जो है कि इस इन एमएलओस को माइक्रो प्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स को स्प्रेड करता है किसी और बनाना के पौधे के ऊपर, और वहां भी जो है कि बंची टॉप को कॉज कर देता है। तो इस तरीके से बंची टॉप ऑफ बनाना जो है कि फैलता है, ठीक है। बंची टॉप ऑफ बनाना होता तो है एमएलओस की वजह से, लेकिन फैलता किसके वजह से है, लीफ हॉपर की वजह से, और यही क्वेश्चन पूछा गया है। हमेशा जो है कि फैलाने वाले एजेंट्स के बारे में पूछा जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, डंपिंग ऑफ एंड लीफ ब्लाइट आर वेरी इफेक्टिव चेक बाय, क्वेश्चन कह रहा है कि डंपिंग ऑफ और लीफ ब्लाइट, ठीक है, ये दो डिजीज हैं, इनको जो है कि इफेक्टिवली रूप से कम किया जा सकता है, से रोका जा सकता है, किस मेथड से, बोर्डेक्स मिक्सर का एप्लीकेशन करके, ऑप्शन बी बरगंडी मिक्सर का एप्लीकेशन करके, ऑप्शन सी थीरम का एप्लीकेशन करके, और आया ऑप्शन डी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का एप्लीकेशन करके। तो दोस्तों डंपिंग ऑफ और लीफ ब्लाइट इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को अगर हम लोग जो है कि स्प्रेड करें, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ करें, ठीक है, इसका अगर हम लोग स्प्रेड करें तो इसको जो है कि इफेक्टिवली जो है कि रोका जा सकता है, ठीक है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, हु डिस्कवर्ड द डाउनी मिल्ड्यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में पहली बार डाउनी मिल्ड्यू को किसने खोजा था, किस साइंटिस्ट ने इंडिया में सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू को खोजा था। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ईजे बटलर साहब ने, ईजे बटलर साहब ने जो है सबसे पहले डाउनी मिल्ड्यू को इंडिया में खोजा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अगार अगार, दोस्तों अगार अगार क्या है, सॉलिडिफाइंग एजेंट है, और अगार अगार का सोर्स क्या होता है दोस्तों, जाओ यहाँ से, हटो हटो जाओ, वीडियो के बाद आना। अगार अगार का सोर्स क्या होता है, अगार अगार का सोर्स होता है दोस्तों एल्गी, ठीक है, एल्गी से जो है कि अगार अगार बनाया जाता है। एल्गी अगार अगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है जो कि जो है कि कल्चर प्लेट्स में जब हम लोग कल्चर कर रहे होते हैं, कल्चर प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें अगार अगार को डालते हैं 15 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, जिससे वो सॉलिडिफाइंग कर देता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये जो है कि एल्गी से बनाया जाता है दोस्तों, एल्गी से बनता है अगार अगार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इन इफेक्टिव स्पोर इन रस्ट लाइफ साइकिल आर,
इन इफेक्टिव स्पोर इन रस्ट, रस्ट में जो इन इफेक्टिव स्पोर होते हैं का ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं वो कौन से हैं, तो वो दोस्तों जो है कि कौन से हैं, इरोडोस्पोर और एसियोस्पोर, इरोडोस्पोर, टीडियोस्पोर, टीडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिपनियोस्पोर और इरोडोस्पोर। अभी मैंने बताया आपको ब्लैक रस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक रस्ट की बात हो रही है जो वीट में लगता है, पांचों स्पोर। तो उसमें से इन इफेक्टिव, इनफेक्टिव स्पोर, सॉरी पढ़ने में यहाँ थोड़ा सा इशू हो गया, इनफेक्टिव स्पोर जो रस्ट में है इन्फेक्ट करते हैं वो कौन से हैं दोस्तों, तो वो है यूरोडोस्पोर और एसियोस्पोर, ठीक है। यूरोडोस्पोर और एसियोस्पोर के द्वारा इन्फेक्शन काज होता है, यूरोडोस्पोर से जो है कि जहाँ तक मुझे याद है गेहूं में काज होता है, और एसियोस्पोर से जो है कि बारबेरी के पौधे में काज होता है इन्फेक्शन, ठीक है। और ये जो स्पोर है रस्ट है ये दो पौधों के ऊपर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, एक वीट के ऊपर और एक बारबेरी के पौधे के ऊपर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, सुसाइडल जर्मिनेशन टेक प्लेस, सुसाइडल जर्मिनेशन किस में होता है, किस पौधे में होता है? तो ऑप्शन ए है डॉडर, ऑप्शन बी स्ट्राइगा, ऑप्शन सी लोरेंथस, ऑप्शन डी डेंडो फोए फाइल काटा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को टिक करेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्ट्राइगा, स्ट्राइगा जो है कि सुसाइडल जर्मिनेशन होता है स्ट्राइगा में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22, येलो मोजाइक ऑफ लेग्यूम वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन इंडिया फ्रॉम, क्वेश्चन कह रहा है कि येलो मोजाइक जो लगता है लेग्यूम में, लेग्यूम में जो येलो मोजाइक लगता है वो इंडिया में सबसे पहले रिपोर्ट हुआ था, कहाँ से हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है शिमला, ऑप्शन बी है सोलन, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है कानपुर। तो दोस्तों एलो मोजैक जो है लेग्यूम का वो सर्वप्रथम इंडिया में जो है कि दिल्ली से आइसोलेट किया गया था, दिल्ली में रिपोर्ट किया गया था, दिल्ली में, ठीक है, अपने देश की राजधानी दिल्ली में जो है कि रिपोर्ट किया गया था सबसे पहले। आगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों, द फंजाई विच ट्रांसमिट प्लांट वायरसेस बिलोंग टू क्लास, ठीक है। ऐसे फंगस जो प्लांट वायरसेस को जो है कि ट्रांसमिट करते हैं किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, प्लांट वायरसेस को जो ट्रांसमिट करते हैं फंगस वो किस क्लास से जो है कि बिलोंग करते हैं। तो आइए क्वेश्चन, ऑप्शन ए है बेसिडियोमाइसिटिस, ऑप्शन बी है उमाइसिटिस, ऑप्शन सी है जाइगोमाइसिटिस और ऑप्शन डी है प्लाज्मोडायोफोरमाइसिटिस, प्लाज्मोडायोफोरमाइसिटिस। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडायो फोरोमाइसिटिस, प्लाज्मोडायो फोरोमाइसिटिस। याद रखेंगे द फंजाई विच ट्रांसमिट प्लांट वायरसेस बिलोंग टू क्लास, ऐसे फंगस जो प्लांट वायरसेस को ट्रांसमिट करते हैं, प्लांट वायरसेस को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसका नाम है प्लाज्मोडायो फोरोमाइसिटिस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, अप्लीकेशन ऑफ पोटास इंक्रीजेस, पोटास का अगर अप्लीकेशन कर दिया जाए दोस्तों तो डिजीज रेसिस्टेंसी बढ़ जाती है, डिजीज नहीं लगता है दोस्तों, डिजीज की रेसिस्टेंसी बढ़ जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, डिजीज रेसिस्टेंस हो जाएगा प्लांट अगर पोटास रिच होगा तो। पोटास नाम सही क्लियर है, पोटास कितना पोटास है तुम्हारे अंदर, कितना क्षमता है, कितना दम है तुम्हारे अंदर। लोग पोटास वर्ड यूज करते हैं, झगड़ा वड़ा हो जाता है गांव में कभी तो, ठीक है। तो पोटास डिजीज रेसिस्टेंस के लिए जो है कि रिस्पॉन्सिबल है, डिजीज रेसिस्टेंस कॉज करता है अगर पोटास है सॉइल में तो, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 25, आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल एजेंट इज बीइंग कॉमर्शली एक्सप्लॉयटेड एज बायो कंट्रोल एजेंट, इसमें से कौन सा जो है कि माइक्रोबियल एजेंट है जिसको कॉमर्शियली रूप से जो है कि बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज किया जाता है, कौन सा जो है कि माइक्रोबियल एजेंट है जिसको कॉमर्शियली एक्सप्लॉयट किया गया है बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में, यानी कि इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए है बैसिलस सबटिलिस, ऑप्शन बी है पेनिसिलियम नोटेटम, ऑप्शन डी है स्क्लेरोडियम रोलॉप्सी और ऑप्शन डी है ट्राइकोडर्मा वायरिडी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्राइकोडर्मा
ट्राइकोडर्मा वायरिडी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ट्राइकोडर्मा वायरिडी। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा वायरिडी। इसको जो है कि कॉमर्शियली रूप से एक्सप्लॉइट किया जाता है, किस काम में, बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप बताएंगे कि हमारा अभ्यास कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा जो है कि रिसर्च करना पड़ता है, पूरी टाइपिंग करनी पड़ती है, पूरी तैयारी के साथ आनी पड़ती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।